Oh, 18 November is post 2 launch. Yeah. Post 2 release होनी है. 18th. उन्होंने साल नहीं बताया ना. मैं रेडियो मिर्ची का आरजे हूँ, रेडियो जॉकी हूँ और हर शाम को शो करता हूँ. मुझे यहाँ बहुत अरसा हो गया है. वरुण थैंक यू मारेगा फीडबैक. ऑलराइट, सो ये जो इतने साल बीते हैं, मैंने जब भी रेडियो पे शो किया है, लोग जब ट्रैवल कर रहे होते हैं जिंदगी में बहुत स्ट्रेस है यार. लेकिन एक चीज गारंटीड है, जब लोग मिर्ची सुनते हैं तो वरुण यू वांट टू से मिर्ची सुनने वाले, मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश, ऑलवेज खुश. सो We decided कि अब हम मिर्ची की नई धुन जो है वो आपके सामने पेश करेंगे. हमने डिसाइड किया हम सब कुछ बदलने वाले हैं. एंड टू पैक अ पंच, हु बेटर देन द डिशूम बॉयज, टू जेंटलमैन हु आर द हॉटेस्ट इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. एक सिंगल है, एक की शादी हो चुकी है लेकिन अभी भी लड़के समझती है सिंगल है. वरुण धवन एंड जॉन इब्राहिम, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. So before we launch, एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी कि जो सेक्सी सी आवाज आती है और बोलती है इट्स हार्ड, वो भी बदलेगी क्या? वो सचिन जिगर की होगी मेरे ख्याल से. वो लोग गुजराती में बोलेंगे. We will find out. अभी जब एक बार आप लोग लॉन्च कर देंगे तो सब पता लग जाएगा. But one second, you both are actors, you both have very busy schedules. I firstly want to ask you, I know this, but अब सबको पता लग जाए on camera, you both are actually fans of Radio Mirchi 98.3 FM. Definitely a big fan of Radio Mirchi 98.3 FM. I think जब Radio Mirchi launch हुआ था, fresh launch हुआ था मुंबई में, and I'd put it on. I was very excited कि ये radio station आया with this supersonic sound और बहुत नए गाने बजाते थे and they would play these new songs and that जो hook line था उनका it's hot. वो एक लड़का, ये कौन थी ये महिला? कौन? जो बोलती है it's hot. बता दूँ? बता दो, आइए खुलासा तो करना पड़ेगा. ओके, सो इट वाज अनुष्का मनचंदा. ओ इट्स अनुष्का, तो मेरे को लगा सुष्मिता सेन थी. मैं बहुत बहुत छोटे थे उस टाइम पे. हाँ मैं बहुत खुश होता. इट्स हाँ वो भी बोलती है इट्स हॉट, वो बोलती है इसको देखो और ये बोलते हैं इसको सुनो, इसको सुनो. हाँ बट अनुष्का मनचंदा आल्सो अ वेरी सेक्सी वॉइस. जॉन व्हाट डू यू फील? या बट मैं आप सबको बोल दूं कि जॉन इज अनवेल, ही हैज टेम्परेचर टुडे एंड येट ही इज हियर ओनली फॉर द शो, ओनली फॉर रेडियो मिर्ची एंड दैट मींस अ लॉट टू मी दैट आप मतलब इतने हॉट होके भी आप आए हो. इट मींस अ लॉट टू मी दैट यू आर हियर आल्सो. वरना ये जो टांगे होती वो जैकलिन के होते आपके सामने. लिसन जॉन, आई हैव आई एम आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन बट आल्सो You know, that's the thing with John. John को अगर बुखार भी है, John ऐसे कपड़े पहन के आते हैं जहाँ कोई ढकता नहीं है. He has to look the way he does. It's his image. Must be very hard to carry. Yeah, it's fun to wear less clothes. Yeah, yeah, yeah. He's got a temperature. Are you know, John? I've worn no. अच्छा. नहीं वरुण और मेरा ये चल रहा है कि we try and color coordinate our underwear also. तो. Have you? हाँ, नहीं आज नहीं. आज वो कौन सा color पहना आपने? मैंने वो फिल्म वाला पहना है. अच्छा ओके. दिखा दो उन लोगों को. नहीं 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 दिखाओ दिखाओ दिखाओ. क्या होगा इधर, कोई सेंसर बोर्ड को कंप्लेन करेगा? दिखाओ या नहीं दिखाओ? दिखाना तो आपको है एक्चुअली टीवी पे, गलत आप लोग दिखाते हैं, नाम हमारा खराब होता है. दिखाओ या नहीं दिखाओ? कैमरा वाले आपको बोलना पड़ेगा, जो न्यूज चैनल वाले आपको बोलना पड़ेगा. हाँ एक पाजी बोल दिखा दो. एक पाजी पाजी आपका टी शर्ट देख लिया वही कलर है. चलो हम लोग खुश, ये कलर है. ऑलराइट लेट्स गेट टू इट. बिफोर आई इवन आस्क दीज टू जेंटलमैन टू लॉन्च, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ दैट सचिन जिगर, जिन्होंने आपको सारे इमोशंस दिए हैं, जीना जीना सिखाया है, ये बोला है कि अगर म्यूजिक चाहिए तो जी कर दा बेजुआ फिर से. वरुण हैज हैड अ ग्रेट हिस्ट्री विद सचिन जिगर, चाहे वो ABCD हो या फिर बदलापुर हो. सो हमटी शर्मा की दुल्हन है. यस बैक टू बैक. शुड वी डू दिस? I think we should do this. बस बटन दबा दो. मैं बटन बता देता हूँ, आप ये दोनों हेडफोन्स ले ले, लगा ले. Okay. So one, these two buttons. This one. These two. Yeah. Ladies and gentlemen, the new Radio Mirchi jingle by Sachin Jigar. It's hot. Absolutely. Okay. Don't get too excited now. Okay. Absolutely fantastic. Both of us, Varun, me, but telling Suren ki ye bahut hi melodious hai and we really enjoyed listening to it. Fantastic. Congratulations, Radio Mirchi.
Congratulations to the entire team, all the RJs, all the programmers, all the producers in the back. You guys have been doing such a great job for so many years and entertaining us. And I wish you all the best for the journey ahead. And Sachin Jigar, thank you for such a great tune. I think ye zubaan pe chadh jata hai, the whistle. You want to try doing it? Varun mere saath hai, miss hi nahi kar raha hu Jacqueline ko. Varun mere saath hai. John kuch bhi galat bolenge, main blur kar dunga. Sorry. Yeah. No, I think Jacqueline's also a part of the team, aur Jacqueline ko hum miss kar rahe hain. But Varun aur main is film mein, matlab, I always say we are two bodies, one soul. So we are here together and we are very happy to promote this film together. Jacqueline ki tabiyat thodi kharab hai kyunki bechari jhalak ka, she's a judge on Jhalak now and she's promoting a lot of things. Actually wo Jacqueline hum dono se bahut zyada paise bana rahi hai to thak gayi hai thodi. Bechari kaise hui? Hum bechare izzat ke mare dar dar bhatak rahe hain. No, but she's a little under the weather, but she'll be joining us tomorrow. Okay, Varun, I think Varun and me have got two different takes on it, and that's why we Varun loves going out there and pushing it. And he agrees with me also. I believe that if your film's good, it'll work. If it's not good, it'll not work. Okay, if it doesn't connect in a way. So I just feel the most important thing is word of mouth. Wo sabse zaruri cheez wahi hota hai, word of mouth. To hum log jo bhi bole film ke bare mein, you know, I think it's the film that has to speak for itself. To mere hisab se, jaise ek advertising mein ek kahawat hai ki 50% of what we spend on advertising is waste, but we don't know what 50%. Waise hi hamare promotions mein yahi hota hai ki jitna hum promote karte hain, hame pata nahi hota hai ki kya effective hai, kya effective nahi hai. Aur hum log ek set template follow karte hain, jo mere hisab se bahut hi ineffective hai. I think I totally agree with what John is saying, ki ek set template hai, but isliye Dishum ke promotions mein we've tried to change that. Jab hum log ne Toh Dishum gana launch kiya tha, to singer ke saath launch kiya tha, Raftaar ke saath. First time ever we got the singer out, we showed people the face of the man who's behind the voice, made him do a lot of radio interviews. Jab hum log ne Jaane Maan launch kiya to ATV ko use kiya tha, jo film mein bhi hai, we use that. Aaj jab hum log Radio Mirchi ke office mein aaye to unka jingle launch karne aaye through Dishum to pack a punch. So these are not things I've done before in Badlapur or in Humpty, or even I think this is the first time any team has come to launch a Radio Mirchi jingle, which is very prestigious in that sense. Hum log jab Nagpur gaye the, we put 100 tarah ke challenges outside to people. Toh logon ne hame dare kiya tha ki zingaat pe nache, so we'll dance on zingaat. Kal we shot for Kapil show yesterday and John danced on zingaat in a dhoti, so you have to see that. Mujhe kisi ne dare diya tha Tahir Shah banne ke liye, so I've dressed up like Tahir Shah and done something over there. Angel mankind, so all that is also happening. So we are doing different things because this film, the bonding and the banter between Kabir and Junaid, hum log wo bahar leke aana chahte hain. And Kabir and Junaid bahut different hai film mein bhi aur asal zindagi mein bhi. We have different viewpoints and that is what makes Dishum interesting. Yeah, and so it's film. Very interesting kyunki we are complete opposites, but that's why we really get along. So ki agar main kahin busy hu to Varun jaake wo promote karega, agar Varun kahin pe busy hai to main jaake promote karunga. So it's a very unset relationship that Correct. We have, or I think audience ko bhi pata chal gaya hai. I think they understand, they Correct. See us together, they're saying nahi yaar in loki jodi to bahut special hai, it's fun, it's easy, it's not even forced. Kabhi kabhi ye hectic bhi ho jata hai kyunki jaise aap aaj aapki tabiyat theek nahi hai to bhi aap aaj promote karne aaye, to do you think it's hectic? It's hectic if you're wasting your time. If you're enjoying, it's not hectic. It's as simple as that. Agar aap time waste kar rahe ho kahin pe ja rahe ho jahan मतलब कुछ नहीं हो रहा है, आपको जाना ही है, तो दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड आई डोंट लाइक वेस्टिंग टाइम. आई हैव अ प्रॉब्लम, आई विल डिशूम पीपल हु वेस्ट टाइम. ये सो दिस फिल्म हैज आल्सो प्रमोटेड टू मोस्ट पॉपुलर डांस रियलिटी शो, बट यू आर नॉट देयर, एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट? या आई वेंट फॉर वन ऑफ द थ्री, आई डिडंट वांट टू बी ऑन द अदर टू, दैट्स इट. It's as simple as that, and I think Varun was there on one with Jacqueline, right? Varun? Yeah. And I think
It's okay. I mean, that's what I'm saying. So if I'm not there, John ने बहुत clear कर दिया था को पहले मुझे कि वरुण मैं ये करना चाहता हूँ ये नहीं करना चाहता हूँ. He wanted to do something with Vijinder Singh, the boxer, and that suited his profile, and he knows Vijinder, and he went out to do that and to support the sport and to support the country. And congratulations to Vijinder for winning. I think he totally deserves that. But so like he said, it's a very unspoken bond which we both have. Eventually, John Abraham means Dishum, Varun Dhawan means Dishum. So either of us, you're getting the message called Dishum. And eventually, all this doesn't matter. The film matters because फिर इवेंचुअली फिल्म ही बोलती है वी कांट फोर्स पीपल मोर देन अ लेवल टू सी द फिल्म देयर आर गोइंग टू बी मेनी प्लेसेस इन द प्रमोशंस वेयर यू आर गोइंग टू सी मी अलोन और हिम अलोन एट टाइम्स लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है इट्स जस्ट दैट वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग आवर वर्क एंड वी आर आज जैकलीन फ्लाइंग जट को का ट्रेलर आई थिंक लॉन्च हो रहा है सो बेस्ट ऑफ लक एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट बट एक्चुअली जैकलीन आल्सो मींस डिशुम तो एक्चुअली डिशुम प्रमोट हो रहा है टू मोर क्वेश्चंस हाँ जी सर हाँ जी हाँ जी तो आप मेरे मुझे लगता है जॉन एब्राहम के साथ सबसे ज्यादा अच्छी है ये देखा है कितने बड़े हैं ये क्या सोच रही पीछे से जोक सुन रही है दिस इज द आई थिंक This is chemistry. दिखाओ ये लोगों को एक बार. This is biology. I think. This is chemistry, biology. This is unexplainable. This is not scientific. John, this is defying logic. ये मेरे दो भाई हैं, Hammer Brothers, Jack Hammer और Sledge Hammer. So they roam with me everywhere. मेरे साथ ही चलते हैं. जैसे वरुण अपने entourage के साथ. Protection के लिए. बट जनरली जब मैं जॉन के साथ होता हूँ तो बहुत प्रोटेक्टेड फील होता हूँ क्योंकि जब भी क्राउड आती है सो आई जस्ट से जॉन और जॉन पीछे से आता है जस्ट डज दिस और मैं अंदर ऐसे बैठ जाता हूँ फिर मैं बाहर निकलता हूँ पौधे की तरह हाँ जी हाँ जी ओ 18 नवंबर फोर्स्ड टू लॉन्च उस दिन पे फोर्स टू रिलीज हो रही है 18th उन्होंने साल नहीं बताया ना ऑलराइट थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस सो मच